Hello student, good morning. In our last class, we were discussing about profit and loss appropriation account. In today class, we are going to take a quick review of profit and loss appropriation account and some related questions to profit and loss account. So let's start with प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. सो बेटा जल्दी से देखते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैंने बताया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेटा एक नॉमिनल टाइप का अकाउंट होता है जिसमें बेटा आपके नॉमिनल अकाउंट के रूल लगते हैं कि जितने भी गेंस एंड प्रॉफिट हैं उनको सबको क्या कर दीजिए बेटा, क्रेडिट कर दीजिए. जितने भी लॉसेस हैं, एक्सपेंसेस हैं, उन सभी को बेटा क्या करना है, हमें डेबिट कर देना है. तो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में देखिए, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन केस ऑफ प्रॉफिट, अगर बेटा आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट शो कर रहा है तो बेटा आपको क्या लिख देना है, वो इसके क्रेडिट साइड में लिख देना है. ये बेटा आपको क्वेश्चंस में आपको ऑलरेडी गिवन मिलेगा. उसके बाद बेटा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जो पार्टनर्स ने ड्रॉइंग कर रखी है उस पर फर्म क्या करती है बेटा, पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट चार्ज करती है एक अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज. जो परसेंटेज बेटा आपको क्वेश्चन में गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर देंगे, इंटरेस्ट लगाएंगे. ये आने वाले क्वेश्चंस में आप सीखेंगे इन सारी चीज़ों को. जैसे मैंने इसमें अज्यूम कर लिया था बेटा कि दो पार्टनर हैं हमारे फर्म में, ए एंड बी, तो दोनों का ही इंटरेस्ट लगेगा बेटा अगर दोनों ने ही क्या कर रखा है, विड्रॉ कर रखा है. तो अगर एक ने विड्रॉ कर रखा है तो एक पे लगेगा बस. उसके बाद बेटा इधर की साइड में हमने डिस्कस किया था कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लॉस बेटा यहाँ पे शो कर रहा है तो बेटा उस लॉस को हम डेबिट साइड में लिखते हैं. और दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो बेटा आपका क्वेश्चन में बता रखा हो कितने परसेंटेज से हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है पार्टनर्स को, तो इसमें हमने अज्यूम किया था हमारे फर्म में कितने पार्टनर हैं, ए और बी, तो बेटा जो भी उनका इंटरेस्ट बनेगा उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे उनको अलाउ कर देंगे. उसके बाद किसी पार्टनर्स को हम सैलरी दे रहे हैं तो वो सैलरी भी यहाँ पे क्या कर देंगे हम बेटा, डेबिट साइड में लिख देंगे. किसी पार्टनर को कमीशन दे रहे हैं बेटा वो भी हम लिख देंगे. अगर कुछ रिजर्व रख रहे हैं अपने फ्यूचर्स के लिए बेटा तो वो रिजर्व भी यहाँ पे रख लेंगे. ये सारी बातें आपको क्वेश्चन में बता रखी होंगी, तो बेटा अभी से ही आपको टेंस्ड होने की ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों को लेके. उसके बाद बेटा क्रेडिट साइड का टोटल लेंगे, उसको लेस कर देंगे बेटा डेबिट साइड से, तो जो भी बैलेंस बचेगा तो वो क्या होगा बेटा, आपका प्रॉफिट बचेगा. तो उस प्रॉफिट को बेटा गिवन रेशो में, जो आपके क्वेश्चन में गिवन होगी बेटा, उसको क्या कर देंगे बेटा, हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. और ए का प्रॉफिट की जो रेशो आएगी वो लिख देंगे, बी की प्रॉफिट की रेशो जो आएगी वो लिख देंगे, और इधर टोटल कर देंगे और इधर टोटल कर देंगे बेटा, दोनों इक्वल आ जाएगा. उसके बाद हमने इसमें डिस्कस किया था कैलकुलेशन ऑफ द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को कैलकुलेट कैसे करते हैं बेटा. सिंपल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंट, अमाउंट का मतलब बेटा जो आपकी कैपिटल है वो कैपिटल, और रेट जो आपकी बेटा गिवन होगी आपके क्वेश्चन में रेट परसेंटेज, डिवाइड में 100, और यहाँ पे मंथ बेटा जितने मंथ तक वो कैपिटल फर्म में रहती है वो, और उसको डिवाइड कर देते हैं हम 12 से. लेकिन एक बात यहाँ पे बेटा हमें नोट करनी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा किस पे लगता है बेटा, वो उसकी ओपनिंग बैलेंस पे लगता है, ना कि उसके क्लोजिंग बैलेंस पे लगता है. ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि आप बेटा अभी क्वेश्चंस करेंगे तो सीखोगे ओपनिंग और क्लोजिंग क्या होता है. नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बेटा हमने क्या किया था, डिस्कस किया था कैसे कैलकुलेट करते हैं. सेम ऐसे बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अमाउंट, विड्रॉइंग वाला अमाउंट बेटा, रेट परसेंटेज यहाँ पे आपके क्वेश्चन में गिवन होगा, और बेटा इसको डिवाइड कर देते हैं 100 से, मंथ जितने मंथ के लिए उसने विड्रॉ किया है, और उसके बाद बेटा उसको हम क्या कर देते हैं 12 से डिवाइड कर देते हैं. ये तो था बेटा आपका ओवरव्यू. उसके बाद मैंने आपको आज मॉर्निंग में ग्रुप में 3 क्वेश्चन सेंड किए थे, तो उन क्वेश्चंस को बेटा सॉल्व करेंगे, और पहले उस क्वेश्चंस को रीड करते हैं और देन उन क्वेश्चंस को एक एक करके बेटा हम सॉल्व करेंगे. तो देखिए बेटा डीके गोयल बुक से मैं करा रहा हूँ आपको, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड वाला, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या है बेटा, देखिए ग्रीस सतीश आर पार्टनर इन अ फर्म. ग्रीस और सतीश एक पार्टनर है बेटा फर्म में. देयर कैपिटल एज ऑन अप्रैल 2016, मतलब ओपनिंग कैपिटल बेटा, क्योंकि स्टार्टिंग में दी हुई है तो इसको हम क्या कहते हैं, ओपनिंग कैपिटल.
5,60,5,60,000 and 4,75,000 रेस्पेक्टिवली ऑन द फर्स्ट अगस्त. फर्स्ट अगस्त को क्या करते हैं बेटा, ऑन द फर्स्ट अगस्त 2016 दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी 5 लाख ईच. उन्होंने बेटा 1 अगस्त 2016 को ये डिसाइड किया कि दोनों की कैपिटल कितनी हो जाएगी बेटा, 5 लाख हो जाएगी. तो इसका मतलब क्या है बेटा, जो गिरीश है वो 60,000 रुपये विड्रॉ कर लेगा. तो बेटा देखिए 560 थी, 560 थी, तो बेटा 60,000 विड्रॉ कर लेगा तो 5 लाख बचेगी. इसी तरह से बेटा जो सतीश है वो 475 में कितना ऐड कर देगा, 25,000 ऐड कर देगा, तो उसकी कैपिटल कितनी बन जाएगी बेटा, यहाँ पे 5 लाख की बन जाएगी. उसके बाद देन बोल रहा है द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन अ कैपिटल वो मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग. और देखिए यहाँ पे बोल रहा है बेटा इंट्रोड्यूसिंग का मतलब एडिशनल कैपिटल कौन लेके आएगा, सतीश. विदड्रॉइंग कैश कौन विड्रॉ कर लेगा बेटा, ग्रीस विड्रॉ कर लेगा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 6% पर एनम. मैंने अभी आपको ओवरव्यू देते हुए मैंने बताया था कि आपके क्वेश्चंस में गिवन होगा किस परसेंटेज से आपको बेटा इसमें इंटरेस्ट अलाउ करना है, तो 6% इस क्वेश्चन में गिवन है. तो आपसे बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017. तो पूरे साल के लिए आपको क्या करना है बेटा, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. कब तक, देखिए 1 अप्रैल 2016 से लेके 31 मार्च 2017 तक आपको क्या करना है, इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है. तो बेटा इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे देखते चलिए, एक एक चीज़ें क्वेश्चंस भी देखते रहेंगे, ये भी देखते रहेंगे बारी बारी से, तो आपको ज़्यादा क्लियर होता जाएगा. देखिए बेटा गिरीश है, ग्रीस का देखिए, तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने फॉर्मूला पहले ही बताया था बेटा, फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट और जो रेट परसेंटेज गिवन है डिवाइड में 100 मंथ एंड डिवाइड में 12. तो बेटा देखिए इसकी जो कैपिटल है वो 1 मार्च से लेके 31 जुलाई तक, 1 मार्च टू 31 जुलाई 2016 तक कितनी रहती है बेटा, 560. क्योंकि बेटा ये जो चेंजेस लेके आ रहे हैं वो चेंजेस कब से लेके आ रहे हैं बेटा, अगस्त 2016 से लेके आ रहे हैं. तो मतलब इनकी जो कैपिटल है वो 31 जुलाई तक सेम रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं है, नो चेंज. तो इसलिए बेटा 560 का. तो बेटा 1 अप्रैल से लेके 31 जुलाई तक कितने मंथ होते हैं बेटा, 4 मंथ होते हैं. तो देखिए मंथ वाला यहाँ पे मंथ लिख दिया, फॉर्मूले में 12 है 12 लिख दिया. अब ये बेटा रेट गिवन है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस में रेट गिवन है 6%, तो यहाँ पे बेटा 6% लगा दिया और डिवाइड में 100. इनको कैलकुलेट कर लिया तो बेटा अमाउंट कितना आ गया हमारा, 11,200. उसके बाद बेटा 1 अगस्त से लेके 31 मार्च तक, क्योंकि देखिए 1 अगस्त को ये चेंज करता है और कब तक हमें कैलकुलेट करना है, 31 मार्च 2017 तक कैलकुलेट करना है. तो 1 अगस्त को इसने क्या किया बेटा, इसमें बोला गया है कि दोनों ही पार्टनर क्या कर लेंगे बेटा, अपनी कैपिटल को 5 लाख कर देंगे. बेटा 560 है तो 5 लाख करना है, तो इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, 60,000 को माइनस करना पड़ेगा, मतलब विड्रॉल करना पड़ेगा, तभी हमारा कितना बनेगा, 5,000 बनेगा. तो बेटा 1 अगस्त 2016 से लेके 31 मार्च 2017 तक, 2017 तक हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे. तो अब कैपिटल कितनी बची हुई है बेटा, वही फॉर्मूला देखिए, अमाउंट कितना, 5 लाख मल्टीप्लाई में ये रेट गिवन है क्वेश्चन में बेटा, 6% डिवाइड में 100 फॉर्मूले में है. उसके बाद बेटा अब 1 अगस्त से लेके 31 मार्च तक काउंट कर लीजिए कितने मंथ होते हैं, 8 मंथ होते हैं. तो 8 मंथ ये मंथ बेटा आपके फॉर्मूले में गिवन है, तो डिवाइड बाई 12, इसको कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा बेटा, 20,000 आ जाएगा. और इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो बेटा ग्रीस का क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा पूरे ईयर के लिए, फुल ईयर के लिए. इसी तरह से बेटा हम सतीश का करेंगे क्योंकि दोनों पार्टनर हैं, तो दोनों पार्टनर्स का हम अलग अलग करेंगे. तो यहाँ पे देखिए फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 टू 31 जुलाई, क्योंकि इसने भी चेंज कब किया है बेटा, अगस्त में चेंज किया है. क्वेश्चंस में देखिए चेंज कहाँ पे हो रहा है, चेंज आपका हो रहा है ऑन द 1 अगस्त को चेंज हो रहा है. तो 1 अगस्त को चेंज होने की वजह से बेटा हम कितने मंथ का कर रहे हैं, तो फ्रॉम द 1 अप्रैल 2016 टू 31 जुलाई 2016, तो बेटा कितने मंथ हो गए, 1 अप्रैल से लेके 31 जुलाई तक बेटा 4 मंथ हो गए हमारे. और इसकी कैपिटल कितनी है बेटा,
यहाँ पे 475, ये वाला अमाउंट देखिए 475, तो बेटा 475 हमने लिख दिया अमाउंट की, क्योंकि इसमें फॉर्मूले में ये लिखा हुआ है अमाउंट अमाउंट रेट परसेंटेज 6 गिवन है ऑलरेडी वहाँ पे। उसके बाद बेटा मंथ कितने हो गए, 4 मंथ डिवाइड में 12 डिवाइड में 100, कितना आ गया 9,500। उसके बाद बेटा चेंजेस इसने किए हैं कहाँ से, 1 अगस्त से, तो 1 अगस्त से फ्रॉम द 1 अगस्त 2016 टू 31 मार्च 2017 तक हमें कैलकुलेट करना है। तो कितने मंथ हो गए बेटा, 1 जुलाई से 31 मार्च तक 8 मंथ हो गए बेटा, 8 मंथ हमने लिख दिया। अब यहाँ पे बोला गया है कि सभी पार्टनर्स की कैपिटल कितनी हो जाएगी, 5 लाख हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस में बोला गया है कि ऑन द 1 अगस्त दे डिसाइड टू कैपिटल शुड बी 5 लाख ईच, 5 लाख ईच। अब बेटा इनकी स्टार्टिंग में इसकी कैपिटल कितनी है 37 की, 475, तो 475 को बेटा 5 लाख बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 25,000 को इसमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो उसने क्या किया बेटा, 25,000 इंट्रोड्यूस किया। बेटा ज़्यादा कैपिटल उसने अगर इसमें इंट्रोड्यूस कर दी तो ज़्यादा कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो इसलिए बेटा हमने यहाँ पे कितना लिखा, 5 लाख। उसके बाद ये क्वेश्चन में गिवन है बेटा रेट परसेंटेज डिवाइड में 100, एंड देन आपका यहाँ से 1 अगस्त से लेकर 31 मार्च तक का बेटा 8 मंथ बनता है डिवाइड में 12, वो बेटा आपके फॉर्मूले में गिवन है यहाँ पे देखिए, और अमाउंट निकल के कितना आ जाता है कैलकुलेट होके बेटा 20,000, और इसका टोटल ये वाला 95,000 प्लस में 20,000 कितना हो जाता है बेटा, 29,500। अब देखिए बेटा इनका आंसर देखिए, गिरीश का 31,200 यहाँ पे हमने निकाला बेटा, 31,200। सतीश का हमने निकाला हुआ है यहाँ पे क्वेश्चंस में आंसर गिवन है 29,500, हमने निकाला हुआ है बेटा 29,500। तो ऐसे बेटा ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन हमारा कौन सा है, हमें पहले क्वेश्चंस को रीड करना है। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर इन अ फर्म, देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2016 वर, इसका मतलब क्या है बेटा, ओपनिंग कैपिटल है। तो एक्स की कैपिटल बेटा 5 लाख, वाई की कैपिटल 4 लाख एंड जेड की कैपिटल 3 लाख रेस्पेक्टिवली। ऑन द जुलाई 1, 2016 उन्होंने क्या किया बेटा, नई कैपिटल लेके आते हैं और ज़्यादा एडिशनल कैपिटल लेके आते हैं, इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल। तो एक्स ने कितना इंट्रोड्यूस किया बेटा, 1 लाख। वाई ने कितना इंट्रोड्यूस किया, 80,000, और जेड ने कितना इंट्रोड्यूस किया, 50,000 रेस्पेक्टिवली। ऑन द फेबरी 1, 2017 वाई बेटा उसमें से क्या कर लेता है, विदड्रॉ कर लेता है 15,000 का अमाउंट विदड्रॉन कर लेता है फ्रॉम हिज कैपिटल। तो इंटरेस्ट इज अलाउड, अब यहाँ पे देखिए बेटा कितना गिवन है, 8% पर एनम ऑन द कैपिटल। कंप्यूट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 तक, हमें क्या करना है इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो अब एक एक क्वेश्चंस को बेटा हम देखते चलेंगे इसमें कैसे कैसे क्या हो रहा है। देखिए कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो सबसे पहले बेटा वाई का कैलकुलेट करेंगे। तो फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 से लेके बेटा 30 जून 2016 तक, क्योंकि जो ये चेंजेस लेके आ रहे हैं बेटा कब से लेके आ रहे हैं, ये 1 जुलाई से चेंजेस लेके आ रहे हैं, 1 जुलाई। तो अब बेटा हमारी 30 जून तक हमारी कैपिटल कितनी रहेगी जो उन्होंने पहले इंट्रोड्यूस कर रखी है, तो 5,000 क्वेश्चंस में अभी देखा था हमने, सॉरी 5 लाख क्वेश्चन में देखा था, और ये रेट परसेंटेज बेटा गिवन है ऑलरेडी डिवाइड में 100। उसके बाद बेटा मंथ कितने हो जाते हैं, अप्रैल से लेके जून तक 3 मंथ हो जाते हैं, अप्रैल में जून 3 मंथ हो जाते हैं, तो 3 मंथ डिवाइड में 12, अमाउंट कितना आ गया बेटा 10,000 आ गया। उसके बाद वो जुलाई में चेंजेस लेके आते हैं, तो फ्रॉम 1 जुलाई 2016 टू 31 मार्च 2017, अब ये कैपिटल कितनी लेके आता है क्वेश्चंस में देखिए, 1 लाख लेके आता है, 1 लाख एडिशनल लेके आता है, तो 5 लाख प्लस में 1 लाख कितनी हो जाती है बेटा, 6 लाख। और 6 लाख ये बेटा रेट परसेंटेज आपके क्वेश्चन में गिवन है डिवाइड में 100। अब बेटा 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक कितने मंथ हो जाते हैं, 9 मंथ डिवाइड में 12, अमाउंट कितना आ गया 36,000, 10,000 प्लस में 36,000, टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा इसको,
46,000 का इंटरेस्ट मिलेगा इसको। इसी तरह से बेटा वाई का देखिए, वाई ने भी क्या कर रखा है बेटा, फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 टू 31 जून, क्योंकि ये भी चेंज कब लेके आ रहा है, 1 जुलाई को चेंज लेके आ रहा है, तो 4 लाख इसकी कैपिटल थी, 4 लाख कैपिटल मल्टीप्लाई में बेटा ये रेट परसेंटेज ऑलरेडी गिवन है आपके क्वेश्चन में 8% और डिवाइड में 100। अब बेटा अप्रैल से लेके जून कितना होता है, 3 मंथ होता है, डिवाइड में 12, अमाउंट कितना आ गया बेटा 8,000 का आ गया। उसके बाद बेटा 1 जुलाई 2016 से लेके अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या गिवन है, उसने फरवरी में 1 फरवरी को बेटा 15,000 को विड्रॉ कर लिया था, मतलब कैपिटल में चेंज लेके आया। तो यहाँ पे देखिए पहले तो कितना लेके आया बेटा अमाउंट, 80,000 का अमाउंट लेके आता है, पहले अमाउंट कितना लेके आता है बेटा वो 80,000 का अमाउंट लेके आता है। तो 80,000 का मतलब बेटा इसमें पहले उसकी कैपिटल कितनी थी, 4 लाख थी, 80,000 और लेके आता है तो 480 हो जाएगी, और ये रेट परसेंटेज आपका क्वेश्चन में गिवन है 8% डिवाइड में 100। अब यहाँ से देखिए जुलाई 1 से 31 जनवरी 2017 तक कितने मंथ हो जाते हैं, 7 मंथ हो जाते हैं, डिवाइड में 12, अमाउंट कितना आ जाता है बेटा 22,400। अब उसके बाद 1 फरवरी को कोई चेंज लेके आता है, वो 1 फरवरी को उसने क्या कर लिया अपना 1,500 विड्रॉल कर लिया, देखिए क्वेश्चंस में 1,500 उसने विड्रॉल कर लिया। तो यहाँ पे देखिए 1 फरवरी 2017 से लेके, क्योंकि हमें कैलकुलेट कब तक का करना है, 31 मार्च 2017 तक, तो 2017 तक कितने मंथ बनते हैं, 2 मंथ बनते हैं, फरवरी मार्च, और अमाउंट कितना हो जाएगा बेटा 480 में से आप कितना माइनस कर दोगे, 15,000 माइनस कर दोगे तो 465 अमाउंट बचेगा, तो 465 अमाउंट हो गया, ये रेट परसेंटेज आपकी क्वेश्चन में गिवन है, और डिवाइड 100 बेटा फॉर्मूले में मैंने बताया था, मंथ कितने हो गए 2 मंथ, डिवाइड में 12, अमाउंट कितना हो गया 6,200। इन तीनों को ऐड कर लेंगे बेटा, 8,000 प्लस में 22,400 प्लस में 62,000 कितना आ जाएगा अमाउंट, 36,600। इस तरह से हम जेड का कैलकुलेट करेंगे, जेड का भी सेम है बता देखिए, फ्रॉम द 1 अप्रैल 2016 टू 31 सॉरी 30 जून टू 2016 इसने कैपिटल कितनी इंट्रोड्यूस कर रखी थी, क्वेश्चंस में गिवन है बेटा ये 3 लाख की कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रखी थी, 1 मंथ रेट गिवन है बेटा आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी, डिवाइड में 100, और ये मंथ कितना हो जाता है, 3 मंथ हो जाता है अप्रैल से लेके जून तक, और डिवाइड में 12, अमाउंट कितना आ जाएगा बेटा कैलकुलेट कर लोगे तो 6,000 का अमाउंट आ जाएगा। नेक्स्ट और जो चेंज लेके आता है, फ्रॉम 1 जुलाई 2016 टू 31 मार्च 2017 को क्या करता है, इसमें इंट्रोड्यूस करता है 50,000। क्वेश्चंस में देखिए यहाँ पे 50,000 इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो 50,000 और इसमें ऐड हो जाएगा बेटा, 3 लाख में 50,000 इंट्रोड्यूस कर देगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा 350, और ये रेट आपकी क्वेश्चन में गिवन है 8% 8 एंड देन डिवाइड में 100। अब ये फ्रॉम जुलाई टू मार्च कितने मंथ बन जाते हैं आपके, 9 मंथ बन जाते हैं, डिवाइड में 12, अमाउंट कितना आ जाता है 21,000, तो 26,000 प्लस में 21,000 कितना हो जाता है 27,000, 27,000। देखिए आंसर मैच करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का कितना है बेटा 46,000, एक्स का कितना है 46,000, वाई का कितना है 36,600, वाई का कितना है यहाँ पे 36,600, जेड का कितना है 27,000, यहाँ पे भी कितना है जेड का बेटा 27,000। नेक्स्ट टॉपिक, अब कई बार आपको क्वेश्चंस में समटाइम्स इन क्वेश्चन यू विल फाइंड द क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन, अगर बेटा क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो उसको पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ओपनिंग कैपिटल में, क्योंकि बेटा अभी हमने यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे नोट्स लिखवाया था कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो ऑलवेज किस पे कैलकुलेट होती है, ओपनिंग बैलेंस पे, तो हमें ओपनिंग बैलेंस निकालना पड़ेगा अगर क्वेश्चन में क्या गिवन है क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, तो क्लोजिंग बैलेंस गिवन है
तो बेटा कैसे निकालते हैं, सबसे पहले कैपिटल एट द एंड मतलब जो क्लोजिंग बैलेंस आपके क्वेश्चन में गिवन होगा इससे रिलेटेड अभी एक क्वेश्चन कराऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो बेटा ये अमाउंट मैंने अज्यूम कर लिया है कि ये दोनों क्या हैं बेटा, पार्टनर हैं, पार्टनर्स इन अ फर्म एक्स वाई। तो यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे, ये क्वेश्चन में गिवन होगा आपको ये दोनों चीज़ें। उसके बाद अगर उन्होंने कोई ड्राइंग कर रखी है तो उस ड्राइंग को हम क्या कर देंगे यहाँ पे ऐड कर लेंगे। अगर दोनों ने कर रखी तो दोनों में ऐड कर देंगे, किसी एक ने कर रखी तो एक में कर देंगे। और अगर उन्होंने इंटरेस्ट भी फर्म ने चार्ज किया है उनसे तो वो भी क्या कर देंगे हम इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद इस अमाउंट का टोटल कर लेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट। अगर हमने क्या कर रखा है उनको किसी भी तरीके का प्रॉफिट बांट रखा है तो उसको भी तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे माइनस कर देंगे। और उन्होंने अगर फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रखा है एडिशनल कैपिटल, तो एडिशनल कैपिटल को भी क्या कर देंगे हम लेस कर देंगे। उसके बाद जो आएगा वो हमारी कैपिटल कौन सी आ जाएगी, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, कैपिटल इन द बिगनिंग, कैपिटल इन द बिगनिंग। जल्दी से फिर से देखिए, कैपिटल एट द एंड उसमें हम ऐड कर देंगे ड्राइंग, उसमें ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो अमाउंट गिवन होगा जैसे ड्राइंग का गिवन है तो ड्राइंग ऐड कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी गिवन है तो इसको भी ऐड कर देंगे, नहीं गिवन है तो ड्राइंग ड्राइंग। अगर उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट शेयर है तो प्रॉफिट में जो शेयर है उसको हम क्या कर देंगे लेस कर देंगे। और अगर बेटा यहाँ पे एडिशनल कैपिटल भी उसने इंट्रोड्यूस कर रखी है तो उसको भी क्या कर देंगे इसमें से लेस कर देंगे। अब बेटा सपोज करिए कि अगर उसको लॉस हो जाता है, फर्म ने लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, तो बेटा यहाँ पे हम लॉस को ऐड कर देते हैं, लॉस शेयर ऑफ लॉस। वैसे कभी ये केस आएगा नहीं, अगर आएगा तो उसके लिए समझ लीजिए, शेयर ऑफ लॉस अगर आया है तो बेटा हम क्या कर देंगे इसको ऐड कर देंगे, प्रॉफिट है तो उसको हम लेस कर देंगे। कैलकुलेट करके क्या आ जाएगा बेटा आपका कैपिटल इन द बिगनिंग। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करवाता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर है आपके फोर्थ है बेटा, डी के गोल में क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो क्वेश्चन नंबर फोर देखिए सभी ध्यान से, ये क्वेश्चन मैंने आपको सेंड किया हुआ था। तो ऑन 31 मार्च 2016 मतलब क्या बेटा, ईयर के एंड में आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट, देखिए लिखा भी हुआ है यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स द कैपिटल्स ऑफ माउंटेन हिल एंड रॉक स्टूड इन बुक ऑफ द फर्म एट, मतलब इनकी क्लोजिंग गिवन है, क्योंकि बेटा देखिए 31 मार्च 2016 क्लोजिंग होता है किसी भी अकाउंट्स का और गिवन भी है बेटा आफ्टर क्लोजिंग अकाउंट 4 लाख 3 लाख 2 लाख, मतलब सभी एडजस्टमेंट हो चुकी हैं। मींस इसमें क्या बेटा, ड्राइंग हमने माइनस कर रखी है, जब ओपनिंग बनाई थी तो उस टाइम जब हमने क्लोजिंग बनाई थी तो माइनस कर दिया था, एड प्रॉफिट एंड ऑल इसमें हमने क्या कर रखा है बेटा एडजस्ट कर रखा है। देखिए अभी और समझ आएगा आपको। रिस्पेक्टिवली सब्सिक्वेंटली इट वॉज डिस्कवर्ड दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम हैज बीन ओमिटेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा देना भूल जाते हैं, ठीक है, जो कि 10% से हमें देना था। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटिंग 1,50,000, प्रॉफिट कितना है बेटा 1,50,000 एंड द पार्टनर्स ड्राइंग हैज बीन, जो पार्टनर्स की ड्राइंग है बेटा माउंटेन कितना विड्रॉ कर लेता है 20,000 विड्रॉ कर लेता है, हिल कितना कर लेता है 15,000 कर लेता है, रॉक कितना कर लेता है बेटा 10,000 कर लेता है। एक बात ध्यान रखना, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन ना हो किसी भी क्वेश्चन में तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो क्या कर रहे हैं इसको इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन ना हो तो, नो इन्फो गिवन इन क्वेश्चन, तो हम क्या कर लेते हैं उसको इक्वली बांट देते हैं प्रॉफिट एंड शेयर को। तो अब देखिए बेटा सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसमें ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करना है। तो देखिए कैलकुलेशन हमने कैसे कर रखी है, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, तो पर्टिकुलर लिख लिया माउंटेन हिल एंड रॉक। तो कैपिटल एट द एंड 31 मार्च, यहाँ पे देखिए कैपिटल एट द एंड 36 मार्च 2017 को गिवन बेटा 4 लाख 3 लाख 2 लाख, तो वही सिंपल हमने उतार लिया यहाँ पे 4 लाख 3 लाख 2 लाख। उसके बाद यहाँ पे ड्राइंग उन्होंने कर रखी है 20,000 15,000 10,000, हमने ऐड कर लिया। देखिए यहाँ पे
ऊपर जो मैंने अभी यहाँ पे एक परफॉर्मेंस बनाया था बेटा, उसमें ड्राइंग ड्राइंग है तो ड्राइंग को हमने ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद अमाउंट इतना आ गया। उसके बाद प्रॉफिट है यहाँ पे 1,15,000, 1,50,000 का, तो 1,50,000। अभी मैंने बताया था कि कोई रेशो गिवन नहीं है, इसका मतलब क्या करना है, हमें इक्वली बांटना है। तो 1:1 में इसको हमें बांटना है, तो इक्वली हमने बांट दिया तो कितना आ गया बताओ, 50,000, 50,000, 50,000। तो इसको इसमें से माइनस कर दिया तो अमाउंट कितना रह गया, 370, 265, 160। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, ओपनिंग कैपिटल आ गई। अब हम क्या कर सकते हैं, आराम से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 10% पर एनम है। तब कैलकुलेट करते हैं ओपनिंग कैपिटल माउंटेन की कितनी है, 360। तो फॉर्मूले में क्या आता है, अमाउंट, तो अमाउंट लिख दिया। फॉर्मूले में और क्या आता है बेटा, रेट परसेंटेज, तो 10% हमारी गिवन है किसमें, क्वेश्चन में, डिवाइड में 100। अब उसके बाद ये कितने के लिए है बेटा, पूरे महीने के लिए है, मतलब कब से लेके, ये 1 अप्रैल 2015 को लेके, ये 1 अप्रैल 2015 से लेके 31 मार्च 2016 तक की है, मतलब पूरे साल की है। तो मंथ कितना हो गया, 12, और 12 फॉर्मूले में गिवन है, तो बेटा ये डिवाइड कैंसिल हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारा अमाउंट, 36,000। इसी तरह से हिल का भी यहाँ पे देखिए, इतनी कैपिटल ओपनिंग कैलकुलेट कर लेंगे, अमाउंट इतना आ जाएगा इंटरेस्ट का। इसी तरह से रोक का अमाउंट गिवन है, और उसके बाद ये रेट परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन है, 12:12, और बेटा क्या हो जाएगा, इनका अमाउंट आ जाएगा। क्वेश्चन चेक करते हैं, आंसर चेक करते हैं, माउंटेन की 36,000, माउंटेन की 36,000, हिल की कितनी है, 26,500, 26,500, और यहाँ पे रो की कितनी है, 16,000, तो रो की कितनी, 16,000। तो बेटा आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही टॉपिक करेंगे। कल की वीडियो लेक्चर्स में बेटा पार्टनर्स कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का पूरा जितने भी आइटम्स होते हैं वो बनाना सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई प्रॉब्लम है तो बेटा मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करके बता सकते हैं आप, खोल करके मुझसे पूछ सकते हैं, और बेटा प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।